रोशनी, खुशियां, मोहब्बत और नई उम्मीदों के इस पावन त्योहार दिवाली में आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। और स्वागत करते हैं आपका मैरी गोल्ड के स्पेशल एपिसोड में, जहां हम आपके साथ बांटेंगे खुशियों की फुलझड़ी, मुस्कुराहट के पटाखे और फेस्टिविटी के दिए। प्रभु, मेरे ख्याल से दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे हर एक रिलीजन का इंसान उसे एक साथ मिलकर मनाता है ना? बिल्कुल सही। जहाँ हमारा देश हर धर्म को मानता है, पर हर धर्म के लिए दिवाली का अपनी ही मान्यता होती है। और जब दिवाली आती है तो जब हर घर इसे अपने आंगन से रोशन करता है तो लगता है जैसे इस देश का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है। और शायद इसीलिए हर एक रिलीजन का इंसान इसे एक साथ मिलके मनाता है। और जैसे कि सारे के सारे लोग, चाहे जब कोई भी रिलीजन का हो, सब लोग इसे अपने ढंग से मनाते हैं। कोई इसे फ्रेंड्स के साथ मनाता है तो कोई इसे फैमिली के साथ। तो इसी साल देखिए एकता कपूर अपने फ्रेंड्स के साथ, बॉलीवुड फ्रेंड्स के साथ दिवाली मनाती हैं और उनके घर पर रखी गई दिवाली पार्टी, और जहाँ दिखे कई खास चेहरे भी। बॉलीवुड सेलेब हैं, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं किसी भी फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करने का। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा फेस्टिवल है, किस मजहब का है, कहाँ का है, वो हर एक फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इतने धमाके करते हैं कि हम भी देखते रह जाते हैं। और ये भी बात नहीं भूलते हैं कि उनको अपने फैंस को भी इम्प्रेस करना है, उन्हें भी उनको विश करना है। तो प्रीति, इस बार भी उन्होंने अपने फैंस को विश किया है और हम आपको उनके विशेष ज़रूर दिखाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ये दिवाली कितनी भी धमाकेदार हो, पर आप अपनी सेफ्टी का ख्याल ज़रूर रखें। तो लीजिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की विशेष। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल, डे एंड नाइट न्यूज़ देखते दे, सारे पंजाबियों नूं मेरे वल्लों दिवाली दीआं लख लख मुबारकां। ते ध्यान रखियो बई जी, धूआं कट खिला रहे हो। कदे तूतां दे ओले, कदे पिपलां दी छावें, मैं अज वी ए सोचां तू अज ही आ जावें, तू अज ही आ जावें। ओ जिथे साडियां यादां दी नित जुड़दी टाणी है, एक याद पुरानी है, तेरी मेरी कहानी है। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सब नू, मैं थोड़ा आपका जशन सिंह। दुनिया विच सारे वसदे पंजाबियों नू, हिंदुस्तानियों नू मेरे वल्लों हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। बस मैं थोनू यही कहना चाहुंदा कि थोड़े सारे लिए दिवाली बहुत खुशहाल होवे, बहुत बरकत भरी होवे। एंड प्लीज़ बी वेरी सेफ, क्योंकि आपका बचाव आपके हाथों च होंदा। एक बारी फिर वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। पोल्यूशन घट होए इस करके थोड़े घट पटाके चलायो, और जे पटाके चलाने तो अपने इंडियन पटाके चलायो, बाहर दे ना होण, चाइनीज़ या होर जिहड़े पटाके वो ना होण। मिठाइयाँ घट खाओ, शुगर हो जाती है, तो घर दे विच थोड़े बहुत जो पकवान वगैरह बनाने होण वो बना लैण। ते बाकी सारे पंजाबी, सारे मेरे जिहड़े दर्शक हैं, उन्होंने मैं यही कहांगा कि सारियां नूं दिवाली, दशहरा, जिन्हें भी त्यौहार आने हैं, भैया दूज, सारे दी मुबारकां कट्ठियां ही मैं दिंदा है, तो परमात्मा सारे नूं चढ़दी कला रखे। बस मैं दिवाली ते यही कहना चाहना कि थोनू दिवाली ते मेरे वल्लों बहुत बहुत बधाइयां,
ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਦਿਵਾਲੀ, ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਦਿਵਾਲੀ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਵਨ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ। ਹਾਏ, ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੈ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਜੋ ਵੀ ਮੁਝੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਨ ਸਭਕੋ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਸੇਫ ਦੀਵਾਲੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਮੀ ਬਾਈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਸਦਾਮ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਰੋਲੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਸਿਕ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ। ਹੈਵ ਅ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਸੇਫ ਦੀਵਾਲੀ। ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ। ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਇਸੇ ਸੇਫਲੀ ਮਨਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਮ ਕੀਜੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੀਪਾਵਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਕਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਲੀਜੀਏ ਔਰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਇੱਕ ਨਈ ਲਹਿਰ ਚਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਏ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਬਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਨਾਤੇ ਹੈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਾ ਸਾਮਾਨ ਯਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾ ਸਾਮਾਨ, ਵੋ ਸਭ ਆਪ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਬਨਾ ਹੁਆ ਖਰੀਦੀਏ ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਔਰ ਕਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਕੋ ਵੋ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਦੀਪਾਵਲੀ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੀਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੋ ਸੇ ਮਨਾਤੇ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੈਂਪਸ ਕਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕਹੀਂ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਂ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਦੀਆ, ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸੇ ਜਲਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਨਤੀ ਦਾਵਰਾ। ਆਪ ਸਭੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਕੀਪ ਇਟ ਸੇਫ। ਦੀਵਾਲੀ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇ ਲੀਏ। ਕਹੀਂ ਪੇ ਫਿਲਮੇ ਲਾਂਚ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਕਹੀਂ ਪੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ। ਤੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਔਰ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਕੋ ਉਨਕੀ ਨਈ ਫਿਲਮ ਐਕਸ਼ਨ ਜੈਕਸਨ ਕੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵਾ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਤੋ ਆਈਏ ਹਮ ਵੀ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਚਲਤੇ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਪਰ। प्रभु देवा की फिल्म हो और उसमें सोनाक्षी सिन्हा ना हो, ऐसा हो कैसे सकता है? तो बस ये इंतजार भी खत्म हुआ। हाल ही में मुंबई में अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म एक्शन जैक्सन का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां सोनाक्षी तो नजर नहीं आई लेकिन इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट जरूर दिखी। इस फिल्म में यामी गौतम भी नजर आने वाली है। तो क्या कहना है यामी का फिल्म के ट्रेलर के बारे में, आइए जानते हैं यामी से। In fact, even I was watching it for the first time and I absolutely loved it, sir. I think I'll keep it very short and very simple. I've already told Prabhu, sir, I've been his fan since Urvashi Urvashi days, so there's no way I could not do this film when I got this opportunity. I've enjoyed watching all his films and it was great time shooting with him. And I think as far as Ajay sir is concerned, he's one of the most phenomenal actors and the biggest stars we have today. And it was absolutely a delight to work with him. प्रभु देवा एक अच्छे डांसर हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यामी कितना अच्छा डांस कर लेती हैं, ये भी बताया यामी ने। He's very, you know, has a very intimidating kind of, especially his silence is very intimidating. But when I spoke to him, when he talks, he's as soft-spoken as a director, as a person he comes across, you know, on stage in his interviews and whenever he talks. And I was definitely very scared, but I think it made it very, very easy for me. I think he's one of the most, as much as a fabulous choreographer and dancer and director he is,
he's at the same time the most softest and most easiest to work with, which is I think great. जब भी कोई सीन शूट किया जाता है उस पर प्रभुदेवा का रिएक्शन कुछ अजीब होता है. कुछ ऐसा कहना था अजय का. नहीं उठ के चले जाते हैं अगर शॉट ओके तो, और अगर शॉट ओके नहीं होता तो फिर लगे रहते हैं वन मोर. अजय डांसिंग के मामले में कितने पक्के हैं ये तो आप सभी जानते हैं. और जब अजय को प्रभुदेवा के साथ काम करने को सबसे पहली बार कहा गया था तो उनको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ा. जैसे कि मैंने कहा कि प्रभु ने पूरा बदला लिया मुझसे जो हम प्रभु के साथ हमने किया था 20 साल पहले तो. बट इट वाज फन. इट वाज मैंने इस बार प्रभु ने पहली बार लाइफ में मुझसे रिहर्सल भी कराई. मैंने आज तक लाइफ में डांस की रिहर्सल नहीं की तो अब वो कितना अच्छा आया बुरा आया वो आप डिसाइड करेंगे. बट आई थिंक प्रभु इज ऑल्सो समबडी हु नोज के एक एक्टर का प्लस पॉइंट क्या है तो उसको फुल पूरे तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो. तो अगर डांस में भी जो मैं कर सकता हूँ आई थिंक प्रभु ने उसको एक नया एक तरीका दिया. एक्शन जैक्सन टाइटल पर हॉलीवुड में एक फिल्म बनी है जिसकी वजह से इस फिल्म को कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा. आई डोंट थिंक कोई इशू है. अगर इशू होता तो इस वक्त ये टाइटल नहीं होता. वी हैड हर्ड दैट किसी हॉलीवुड मूवी का टाइटल भी था एक्शन जैक्सन एंड उस वजह से इशू था. नहीं उनको उनको ऐसा लगा था कि हमारी फिल्म उनकी फिल्म से मिलती जुलती है. जब उनको ये सब क्लैरिटी मिल गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. फाइनली एक्शन जैक्सन का ट्रेलर भी आउट हो गया है जिसमें इस फिल्म के स्टार्स एक अलग अलग अवतार में नजर आ रहे हैं. अब देखते हैं कि 5 दिसंबर को लोगों को जैक्सन का एक्शन कितना पसंद आता है. एंटरटेनमेंट डेस्क से प्रीति सिंह के लिए जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज. दिवाली का टाइम हो और हम आपको चंडीगढ़ की सैर ना करवाएं ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना. जो हमारी प्रभजोत मैडम है ना वो गई है 34 सेक्टर के मेले में और देख कर आई है क्या है खास इस मेले में. हाँ यार प्रीति, टाइम पास और खरीदारी के लिए तो बहुत अच्छा मेला था पर यू नो व्हाट. बस हम सीधा लिए चलते हैं हम हमारे व्यूअर्स को इस मेले में और दिखाते हैं कि क्या खास है इस मेले में. आप भी देखिए क्या खास है इस मेले में और कीजिए इस मेले की सैर. हमारे देश की वैसे खासियत है हमारे देश के त्यौहार और त्यौहारों का आगाज तो वैसे काफ़ी समय से हो ही चुका है पर आज जो दिवाली है जिस जो होता है हमारे देश का मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल. तो चलिए आज हम आपको लेके आए हैं चंडीगढ़ में लगे एक एग्जीबिशन में जहां हम आपकी बात कराएंगे उनके एग्जीबिटर से और बताएंगे कि वो आपके लिए क्या क्या खास लेकर आए हैं. तो आप देखिए आज हम आए हैं आप एक ऐसे स्टॉल पर लेकर जहाँ पर बहुत सारी आपके घर को सजाने के लिए चीज़ें हैं और हमने आपकी इंक से जानने के लिए आपके लिए छोटी सी खिड़की भी बना दी है कि आप इनसे जाने कि ये एग्जीबिटर से आपके लिए क्या क्या खास लेकर आए हैं. हाय, तो आप इन अपने चंडीगढ़ के लोगों के लिए क्या खास लेकर आए हैं? ओके भाई, तो ये फेंगशुई का स्टॉल है. जैसे इंडियन वास्तु कहता है कि अपने घर को तोड़ो लाखों रुपए वेस्ट करो, फेंगशुई कहता है अपने घर को ना तोड़ो, जैसे बने हैं बने रहने दो और उसका उपाय करो. ये फेंगशुई के मोस्टली ये सारे प्रोडक्ट अपनी जरूरत के अनुसार घर में यूज़ किए जाते हैं. जैसे लाफिंग बुद्धास होते हैं हैप्पीनेस के लिए, फ्रॉग होते हैं मनी के लिए, एजुकेशन टावर होते हैं स्टडी के लिए, क्रिस्टल क्लॉब होता है बिजनेस की सक्सेस के लिए, ऑलमोस्ट बाकी ये सारी जरूरत की चीज़ें होती हैं. और तो आपने इसके प्राइजेस जो है कितने के रखे हैं? बाकी वैसे जो इंस्टीट्यूट जो कॉस्ट है वहाँ से आपको 40% आपको यहाँ पर डिस्काउंटेड पे मिल रही है ये चीज़ें. तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि ये आपके लिए जो भी आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए उपाय लेकर आए हैं. तो अगर आप भी इनको लेना चाहते हो और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप आइए इस स्टॉल पर. जैसे कि आप सभी जानते हैं जो टाइम है हमारी लाइफ में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. तो हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे स्टॉल में जहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो घड़ियाँ ही घड़ियाँ, और ये आपके लिए लेके आए हैं एंटीक वॉचेस
जी हाँ, ये आप अपने घर में लगा सकते हैं, कहीं पे भी, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं इस दिवाली। तो चलिए जानते हैं इसके एग्जीबिटर से कि वो क्या कहना चाहते हैं अपनी इन वॉचेस के बारे में। इसमें क्या है कि ये एंटीक वॉचेस है, ये राजस्थान का प्रोडक्ट है और पूरी रेंज के साथ इस बार लेके आए हैं, छोटे से छोटा क्लॉक, बड़े से बड़ा क्लॉक। इसकी रेंज जो है 1500 रुपये से स्टार्ट होके 20,000 रुपये तक की रेंज लेके आए हैं और सेल अच्छी हुई है। और तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि सेल तो अच्छी हो गई है और ये आपको स्पेशल राजस्थान से लेकर आए हैं और इनके पास हर तरह के साइजेस में जो है वो वॉचेस हैं। तो आप चाहे खुद के लिए लेके जाइए या फिर आप किसी को गिफ्ट कीजिए, आपके वो सब आप पर है। तो आइए हम आपको और आगे दिखाते हैं कि इस एग्जीबिशन में क्या क्या खास है। वैसे आप अपने घर में दिवाली के टाइम जितनी मर्जी लाइट लगा लीजिए, पर जो जो दियों की रौनक होती है ना, वो आपके घर को अलग से ही चमका देती है। और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में बहुत खूबसूरत से दिए हैं और इनके पास जो है वो विंड चैन भी है और इनके पास जो है वो आपके घर में सजाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियाँ भी हैं। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है ये तो आप इनके एग्जीबिटर से ही जानेगा, पर आपको दिखा देते हैं पहले कि इनके पास और क्या क्या है। इनके पास है ये रंगोली बनाने के लिए अलग अलग कलर्स और बहुत ही अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स में इनके पास दिए हैं। तो अगर आप कोई नॉर्मल से दिए से चूक हो गए हैं और आप थोड़ा बोर से हो गए, तो आप इनके डिज़ाइंस भरे नए नए डिफरेंट तरह के जो दियों को आप अपने घर में लगा सकते हैं। तो चलिए पहले इनसे जानते हैं कि ये कहाँ की स्पेशलिटी है। ये कोलकाता का बना हुआ है, टेराकोटा मिट्टी का बना हुआ है, वहाँ से सारा सप्लाई होता है। यहाँ पे हम पेंट करके उसे सिलेक्ट करते हैं, सारा जो भी है आइटम टेराकोटा का, कोलकाता के मिट्टी का बना हुआ है जी। और तो आपने इसकी जो प्राइजेज हैं वो क्या क्या रखी हैं मैम? डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में ये 80 का है एंड 100 और जो जितने भी ये लगा रखे हैं 50 का, 50 में मतलब कोई भी ले सकते हैं एनीवन। ये छोटे वाले जो हैं जो 10 रुपीज़ चीज में है। ठीक है, तो देखा आपने कि इन्होंने बताया कि इनके पास 10 रुपये से लेके 150-200 तक के भी दिए हैं। और अगर आप अपने घर को जगमगाना चाहते हैं तो इस दिवाली आप इन दियों के साथ अपने घर को रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ प्रभजोत कौर, डे नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। दिवाली का टाइम हो और कोई मिठाई ना खाए ऐसा नहीं हो सकता, और आज मैं आपको एक ऐसी मिठाई। बस मुझे पता है तुम किसकी बात कर रही हो, तुम बात करने जा रही हो परिणीति चोपड़ा की, है ना? हाँ, और परिणीति चोपड़ा एक ऐसी सेलेब है जिनके हर कहीं दीवाने, चाहे हमारा ऑफिस हो चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो। क्यों? ये तो है। तो हम आपको बताते हैं कि परिणीति चोपड़ा ने लॉन्च किया अपनी फिल्म किल दिल का सॉन्ग अपने बर्थडे पर, जहां वो थी बहुत एक्साइटेड और उन्होंने साथ ही साथ बताई अपनी बर्थडे विशेस भी। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं उनकी स्टोरी पर और आप डालिए नज़र कि उनकी और क्या क्या विशेस हैं। वैसे एक और बात बता दें कि परिणीति इंडिया की तो खास है ही, पर हमारे ऑफिस की कुछ ज़्यादा ही खास है। तो आप डालिए इस स्टोरी पर नज़र और देखिए कि क्या क्या खास था यहाँ। मुस्कुराती सी आंखें और शरारत से भरी हंसी, कभी गुनगुनी सी धूप की तरह तो कभी चांद की ठंडक की तरह, कुछ ऐसी ही अजब सी अदाएं हैं परिणीति चोपड़ा की। 22 अक्टूबर को परिणीति के बर्थडे पर परिणीति नजर आई काम करती हुई। मौका था फिल्म किल दिल का नया गाना सजदे को लॉन्च करने का, जहां परिणीति के चेहरे पर दिखा बर्थडे ग्लो। तो सबसे पहले जानते हैं परिणीति से कि उन्होंने क्या किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने इस खास दिन पर। So I'm here for the song launch and I've requested half day off, so I've got half day off today. So after 2 or 3 o'clock I'll go for lunch, I'll go for a film, I'll do dinner also today, I'll have pizza. I've been on a diet, but I'll have pizza today. That's the plan. Quiet birthday. परिणीति जहां भी जाती हैं माहौल बना देती हैं, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में YRF मार्केटिंग टीम की तरफ से उनके बर्थडे के माहौल को बहुत खास बना दिया गया। Yeah.
चलिए परिणीति के लिए इस साल का बर्थडे तो रहा काफी कॉय, तो क्या बर्थडे की तरह दिवाली पर भी आप काम कर रही हैं या उसको सेलिब्रेट कर रही हैं? दिवाली नॉट मच एक्चुअली, टुमारो वी विल बी प्रेपिंग फॉर अ शूट दैट आई हैव डे आफ्टर एंड आई हैव अ कपल ऑफ शूट्स लाइक स्मॉल शूट्स टुमारो, सो दैट्स इट, या इट्स गोइंग टू बी अ वर्किंग दिवाली, सो नॉट मच क्रैकर्स रैकर्स आई डोंट डू। परिणीति के बर्थडे पर फिल्म किल दिल का एक बहुत ही खास गाना अनवेल किया गया जो परिणीति का अब तक का फेवरेट गाना है। So I was coming to Sajde next. Sajde, like I said, is one of my favorite songs ever. And also I really felt like a heroine, you know, when I shot for this song because everything was slow motion and beautiful. Even though we've gone for a winter look in the film, you know, I'm wearing coats and boots and all instead of a sari or, you know, instead of a typical YRF heroine. But it was lovely because every day we would go to these beautiful locations, the lake, one bed in the middle of the rocks, and just, you know, just beautiful, melodious, hero is singing for the heroine. So it was really a very heroine-like experience. That's what I can say. And I was constantly singing the song all the time on set. So it was lovely. It was beautiful. परिणीति की फिल्म का टाइटल है किल दिल। तो जानते हैं परिणीति से कि उन्होंने आज तक कितने लड़कों के दिल किल किए हैं। हाँ यार, एक दो बारी तो हुआ है। हाँ, एक दो बारी हुआ है। Obviously आपके relationships, जब आप बड़े होते हैं आपके relationships होते हैं and obviously right now I'm single, so obviously they've not worked out. तो I'm sure कुछ दिल किल भी हुए, लेकिन मेरे भी हुए हैं। So tit for tat. अच्छा, तो ये बता दीजिए, फिर आपका सिंगल से मिंगल होने का कोई इरादा है? मेरा तो काफी सालों से इरादा चल रहा है, लेकिन उसका कुछ फ्रूट नहीं निकल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर ओनली मीटिंग द पीपल वी आर वर्किंग विद एंड उनके लिए मुझे ऐसी कोई फीलिंग्स हुई नहीं है, सो आई एम वेटिंग टू मीट समबडी इंटरेस्टिंग, या रियली वेटिंग। कोई नहीं परिणीति, जरा वहां भी नजर घुमाकर देखो जिनके साथ आप काम नहीं करती, क्या पता आपको कोई ना कोई इंडस्ट्री के बाहर ही मिल जाए। खैर, अब बात करते हैं किल दिल में परिणीति के कैरेक्टर की। इस फिल्म में परिणीति नजर आ रही हैं एक नए अवतार में, नए ड्रेसिंग सेंस और नए फॉर्म में, और इस फिल्म में परिणीति स्मॉल टाउन गर्ल के किरदार से बाहर आकर नए शेड को पोर्ट्रे करेंगी। Yeah, actually that was one of the most interesting aspects for me because even though I've done Hasi Toh Fasi and Ladies versus Ricky Bell, which were Western, I guess they did not make the impression of playing a Western girl. You know, abhi bhi log samajhte hain ki I've only done small town characters. So I realized that you really need to go out there and do an out and out character to make that impression on you guys. So from that I learned my lesson and I realized that okay, I need to do something like this, just because I was also, I think, wanted to see a new version of me. You know, off screen I'm always in jeans and I try and wear clothes that I like, but on screen I've done these small town roles, Shuddesi, Dawat, Ishakzade, and Hasi Toh Fasi was a very quirky role, so it wasn't really about the glamour, you know. So this, yes, definitely is, it's not glamorous. Like I'm not wearing a bikini or I'm not wearing like short clothes or doing body shots and all that is not there. But it's Western. It's Western cool. So Aki has styled me and Shad sir, of course, has a big part to play in that. To just kind of take out this side of me that is off screen a little bit, you know. तो जानते हैं परिणीति से क्या वो कभी बिकनी में भी नजर आएंगी क्या? When I have the body for it, when I'm very, very fit and I'm looking like absolutely in my best shape, that's the day I'll wear it. Right now, I don't think I should because I'm not my fittest. I'm getting there, but I've not gotten there. जहां एक तरफ अपने इस बर्थडे पर परिणीति चाहती हैं कि वो अपना जीवन साथी ढूंढ ले, तो ये भी चाहते हैं कि उन्हें कभी किसी फिल्म के लिए कोई अच्छा गाना गाने का मौका मिले। यार ये मुझे करना है, ये भी मेरी बर्थडे विश है, दैट आई होप आई गेट अ ग्रेट ऑफर टू सिंग सम रियली नाइस सॉन्ग समवेयर, बिकॉज आई हैव बीन आस्क्ड अ कपल ऑफ टाइम्स कि आप गाइए, लेकिन दे हैवंट बीन द सॉन्ग दैट आई रियली वांटेड टू सिंग, सो आई होप आई गेट अ ग्रेट ऑफर एंड आई रियली डू वांट टू सिंग बिकॉज सिंगिंग इज माय फर्स्ट लाइक फर्स्ट लव, सो आई रियली वांट टू सिंग, आई एम डाइंग टू डू दैट, आई विल डू इट दिस ईयर।
ये फिल्म करने के वक्त परिणीति की एक जगह बहुत बुरे हाल से फटी, वो कब, आइए जानते हैं खुद परिणीति से ही। मेरी एक्चुअली बहुत ज्यादा फट रही थी क्योंकि एक तो डांस करना आपको हमेशा यू नो लगता है कि आई होप यू डांस वेल, बट बिकॉज गोविंदा सर वॉज इन द सेम फ्रेम आई फेल्ट लाइक, एंड वो गोविंदा सर का पोर्शन शूट हो चुका था, सो जिस दिन मेरा शूट आया था तो वो ऑल बोल रहे थे कि यू नो ही इज़ रियली डन वेल, सो यू बेटर डांस वेल, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर था, सो आई ट्राइड एंड अभी तक पीपल आर सेइंग दैट आई हैव मैनेज्ड टू कीप माई रेपुटेशन इंटैक्ट, बट या आई वॉज वेरी वेरी नर्वस, आई वॉज वेरी नर्वस। जाते जाते आपको भी बता दें कि परिणीति चोपड़ा अब उपलब्ध हैं इंस्टाग्राम में भी। Today on my birthday, I decided that I would finally come on Instagram. So my tag is Parineeti Chopra. So you guys are free to follow me. I'll start Instagramming today. Is that the right word? Or Instaing today? What is it? Instagramming today. So I'm going to start putting some cool pictures. I was dying to come on Instagram for a really long time. परिणीति, हम यही उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली और आपका बर्थडे आपके लिए ढेरों सारी खुशियां और सक्सेस लेकर आए। एंटरटेनमेंट डेस्क से जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज। वैसे परिणीति तो बहुत एक्साइटेड लग रही हैं अपने इस मूवी के सॉन्ग को लेकर, और जैसे कि हमारी प्रभजोत मैडम ने उनको इंट्रोड्यूस किया है ना, मुझे तो लग रहा है कि हमारे जो ऑफिस का स्टाफ है या चाहे कोई भी लड़का है इस दुनिया का, उनसे ज्यादा सबसे बड़ी फैन तो यही लग रही है परिणीति की। हाँ यार, पसंद तो मैं काफी करती हूँ उसको। लेकिन जो परिणीति है ना, सिर्फ वो ही नहीं फेमस है, जो हमारे बॉलीवुड के हंक है ना, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है हमारे इस दुनिया में। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड सेलिब्रिटी सोनू सूद की, जो हाल ही में नजर आए थे चंडीगढ़ में और जिन्होंने हमसे खास बातचीत भी करी थी, और जिनकी मूवी आने वाली है दिवाली के बाद हैप्पी न्यू ईयर, तो आप भी देखिए कि क्या खास बातचीत करी है उन्होंने हमसे। अरे मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि मुझे सोनू सूद से ज्यादा उनकी जो बॉडी है ना वो बहुत पसंद है, तो वैसे मैं तो ये चीजें जारी रखूंगी और मैं बोलती ही रहूंगी उनके बारे में भी, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप डालिए स्टोरी पर नजर और देखिए कि वो क्या कहना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को अपने शहर चंडीगढ़ में आकर। वैसे एक्टर्स जो रहते हैं हमें एंटरटेन करने के लिए कोई भी जो है एक पॉइंट भी नहीं छोड़ते हैं, और इसी के साथ साथ इन्हें हम किसी ना किसी ब्रांड के साथ भी जो है एसोसिएट होते देखते ही रहते हैं, और हाल ही में अब जो मेरे साथ हैं वो जो हैं एसोसिएट हुए हैं गोदरेज के साथ, उनसे जानते हैं कि इनका ये एसोसिएशन कैसा रहा। हाई, वेलकम टू डेन आई थिंक। थैंक यू सो मच। बहुत कमाल के एसोसिएशन है। मैं बोलता हूँ कि एक आप यू नो कई ब्रांड्स के साथ जुड़ते हैं, लेकिन ये गोदरेज इंटीरियर एक ऐसा ब्रांड है जिसके साथ मैंने अपना दिल जोड़ा है। दिल इसलिए क्योंकि यू नो मेरा घर जो है वो सबसे मेरे करीब है, मेरी फैमिली वहाँ पे रहती है, तो जब उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है तो यू नो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप एक बार कोई चीज़ ले आएँ वो ज़िंदगी भर काफ़ी सालों तक आपके साथ रहती है। सो एंड आई थिंक एक ऐसी चीज़, छोटी छोटी जब चीज़ें आप घर की बोलते हैं कि जब तिनका जोड़ के आप घर बनाते हैं, तो ये वो तिनके हैं जो यू नो गोदरेज ने और हमने मिलके जोड़े हैं घर बनाने में। एंड आई एम सेइंग कि आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ टीम लाइक गोदरेज, जिन्होंने इतना कमाल से पूरे घर को ट्रांसफॉर्म किया है कि मेरे डैड के आई वांट टू सी हिज रिएक्शन जब मैं मिलूंगा उनसे शाम को, बट जो भी मैं हर आधे घंटे में उनसे बात करता हूँ या पिक्चर शेयर करता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि यू नो जो हमने सपना देखा था बहुत साल पहले वो अब हकीकत बन गया है। सुनो, जिस तरह पहले टाइम में यू नो हम कहीं बाहर जाते तो एक एक चीज़ को पिक करना पड़ता था, यू नो अलमीरा कहीं से सिलेक्ट होती थी, बेड कहीं से हो रहे हैं, तो अब जो है एक ही छत के नीचे यू नो अंडर वन रूफ यू कैन सिलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, तो ये टेक्नोलॉजी को आप कैसे लेते हो? आई थिंक इट्स अ बिग ह्यूज ब्लेसिंग। बहुत मुश्किल होता है यू नो घर का सामान खरीदना, आप बोलते हैं आजकल राशन खरीदना मुश्किल है, घर का सामान तो कितना मुश्किल है, तो यू नो कहाँ से सोफा खरीदें, कहाँ से बेड खरीदें, कहाँ से यू नो आर्टिफैक्ट्स खरीदें। सो आई थिंक गोदरेज इंटीरियर इज़ वन आंसर टू दैट, कि आप यार बस विश्वास करें घर अपने आप पूरा हो जाए। सो आई थिंक आप आएँ और सब कुछ लेकर जाएँ। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज आई वुड से प्लस पॉइंट फॉर ऑल द बायर्स और द कंज्यूमर्स, एंड आई थिंक बेटर लेट देन नेवर। हमें एक ऐसी जगह हमेशा चाहिए थी जो हमारी जो मुश्किलें हैं उसे आसान कर पाएँ, एंड आई थिंक गोदरेज इज एन बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। सो अभी हाल ही में आप US गए थे, अपनी सिस्टर को देख के कैसी फीलिंग आई?
मेरी सिस्टर को देख के बहुत अच्छा लगा, यू नो वी आर देयर फॉर द स्लैम टूर, और वो आई सब शोज देखने के लिए, फुल थे, पासेस नहीं मिल रहे थे, सिफारिश लगाई उसने, तो बोला कि जो 15 साल पहले बोला तो वो सही हो गया, 15 साल बोला सही हो गया, एंड शी आल्सो फेल्ट रियली नाइस कि यू नो 15 साल पहले की जो बात थी वो पूरी हुई है, और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है, ना बहुत अच्छा लगता है जब 20,000 की पब्लिक आपका देखने आती है और आपकी एंट्री पे तालियां बजती हैं और यू नो और आपकी फैमिली कहीं ना कहीं बैठी, इतना प्राउड फील करती है और आपको लगता है कि यार ये एक उनकी जो फीलिंग्स, आई थिंक दैट्स रियली वर्थ। तो लास्ट क्वेश्चन जाता थे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्म आ रही है राइट, तो हीस्ट फिल्मों का जो है आपको लगता है कि किस तरह लोग जो हैं उसको देख रहे हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस शायद उसको लेने को तैयार है या नहीं है? आई वुड से यू नो एंटरटेनमेंट लोग हमेशा ही वेलकम करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हाइस्ट फिल्म हो या फिर कॉमेडी हो, एक्शन हो, डांसिंग फिल्म हो, बट फारा खान की फिल्म जितनी भी आप देखेंगे एंटरटेनिंग रहती हैं, खूब सारा डांस रहता है, खूब सारी एक्शन रहता है, खूब सारी कॉमेडी रहती है, एंड आई वुड से हैप्पी न्यू ईयर इज़ वन फिल्म विच केटर्स टू ऑल द ऑडियंस वॉन्ट टू सी एक्शन, वॉन्ट टू सी कॉमेडी, वॉन्ट टू सी कलर, डांसिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम द ह्यूज स्टार कास्ट, सो आई एम श्योर यू नो Diwali is going to be really, really special for all of you. So, जाते जाते हमारे audience को भी Diwali wishes. Yeah, hi. In Punjabi. Punjabi, okay. Hi, मैं सोनू सूद थे, मैं तो अनुसारण नू Diwali में लख लख बधाइयां देना चाहूँगी और कहूँगा कि इस साल Diwali नू है Happy New Year. So, AC has sat in all, you know, Sonu Sood, जिन्होंने आपको पंजाबी में दिवाली विश थी है, well, अब देखना ये होगा कि इनका ये दिवाली गिफ्ट, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट कैसा रहता है, ऑडियंस का टेक इस पे क्या रहता है। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ हलीन को आते हैं चैनल। तो उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म में सोनू सूद को अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाने का मौका ज़रूर मिल गया होगा। तो ये था आज का हमारा दिवाली स्पेशल एपिसोड, जिसमें हमने की बहुत सी गपशप और किया बहुत सा मज़ा भी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये स्पेशल एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, और मैं जानती हूँ कि आप लोग वहाँ पे बैठ के बहुत सारे पटाखे फोड़ रहे होंगे और बहुत सारी मस्ती भी कर रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात तुम जानती हो प्रभजोत कि मैं भूख की मारी हूँ, भूख की ढेर भरी मेरे ऊपर महामारी पड़ी हुई है, तो मुझे भी बहुत भूख लगी है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी जाके कुछ खाऊँ और आप लोगों की तरह इन्जॉय भी करूँ। तो चलिए हम भी निकलते हैं प्रीति स्टूडियो से बाहर और करते हैं पार्टी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, और हम ये भी आशा करते हैं कि ये दिवाली आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए खुशियां लेकर आए और आप भी सबकी ज़िंदगियों में खुशियां भर दें, और हमारी और मैरीगोल्ड की टीम की तरफ से आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।